एक वक्त पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी को हाल ही में पार्टी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति दोनों से बाहर कर दिया है। इसके बाद से नितिन गडकरी सुर्खियों में बने हुए हैं। विपक्ष के नेता इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नितिन गडकरी का ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा में बहुत गड़बड़ चल रही है। नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ये वीडियो शेयर किया। इसके अलावा कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ट्वीट किया है। तो क्या वाकई में नितिन गडकरी ने संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के संदर्भ में कहा कि उन्हें पद चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने यूट्यूब पर सर्च किया। हमें नितिन गडकरी के यूट्यूब चैनल पर 23 अगस्त का ये वीडियो मिला। ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र एम मुलई की किताब नौकर स्याही के रंग का उद्घाटन समारोह का वीडियो है। इस समारोह में नितिन गडकरी ने वही कपड़े पहने हैं जो उन्होंने वायरल वीडियो में भी पहने हैं। ये वीडियो देखने पर मालूम हुआ कि उनके भाषण के दो हिस्से को जोड़कर वायरल वीडियो बनाया गया है। पहला हिस्सा ये है जहां नितिन गडकरी एक किस्सा सुनाते हुए ये कहते हैं। पर महाराष्ट्र लेवल पर काफी हाहाकार मचा, आपको याद होगा ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गांव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ काउंसलर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4-5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उनने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नाही करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता, 2,500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ काउंसलर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गए, तब एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मैं गया। इस वीडियो में नितिन गडकरी द्वारा पद को लेकर कही गई बात एक पुरानी घटना के बारे में है। दूसरा हिस्सा 19 मिनट के बाद से उठाया गया है, जहां नितिन गडकरी खुद को फुटपाथ पर खाने वाले, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाले सामान्य व्यक्ति बताते हैं। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जमीन जो कविता थी वो बड़े बड़े अच्छी लगती है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए भी इस वीडियो की असलियत बताई थी।
तो जैसा कि आपने देखा, नितिन गडकरी के भाषण के अलग अलग हिस्से साथ में रखकर एक वीडियो बनाया गया, जिससे ऐसा लगे कि वो संसदीय बोर्ड से हटाए जाने पर ये बातें कह रहे हैं। असल में नितिन गडकरी अपने पुराने अनुभव की कहानी सुना रहे थे और इन बयानों का हाल में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है।